हे एवरीवन, यूपी आयुष काउंसलिंग का थर्ड राउंड का शेड्यूल जो है रिलीज हो चुकी है। वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। ये थर्ड राउंड की काउंसलिंग का शेड्यूल है। मैं आपको बता दूं कि इस राउंड में ऐसी क्या है कंडीशन है जो आपको फॉलो करनी चाहिए। देखिए, बहुत सारे कॉलेज है जिसमें ऑलरेडी सीटें फुल हो चुकी है, कुछ कॉलेजों की सीटें जो है वैकेंट है, और उसको कैसे अरेंज करना है मैं आपको बता दूँ। उसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगा आज शाम 5 बजे के बाद, क्योंकि आज 5 बजे 30 तारीख के 5 बजे के बाद कॉलेज का रिपोर्टिंग टाइम ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो भी अपडेटेड मतलब लिस्ट आएगी ना, उसमें हम आपको बता सकते हैं कि किसमें कितना सीटें वैकेंट हैं। तो इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले कि थर्ड राउंड के शेड्यूल जो है रिलीज हो चुकी है और वो कब से कब तक है। आपको टाइमिंग बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत कम टाइम दे रखा है थर्ड राउंड की काउंसलिंग के लिए, उसको विशेषकर ध्यान रखना पड़ेगा। ऑनलाइन पंजीकरण जो कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, वो आपका यहाँ पर देख सकते हो 4 तारीख से 5 तारीख तक 2 दिन का टाइमिंग दे रखा है, और 5 बजे तक, शाम 5 बजे तक आपको ये कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद सिक्योरिटी अमाउंट सबमिट करने की जो तिथि है ना, वो 4 से लेकर 6 तारीख तक है, और ये दोपहर 12 बजे तक रहने वाला है। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जो तिथि है वो 5 तारीख से लेकर 6 तारीख तक है, और शाम 5 बजे तक ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। इसके बाद पंजीकरण जो मेरिट लिस्ट आएगी वो 7 तारीख को आने वाली है, और दोपहर 2 बजे तक। इसके बाद ऑनलाइन चॉइस फिलिंग होगा, वो आपका 7 तारीख से लेकर 9 तारीख तक होने वाला है, और मध्यम मतलब कि 12 बजे तक रहने वाला है। इसके बाद ऑनलाइन जो आपका अलॉटमेंट आएगा ना, वो 9 तारीख को आने वाला है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नोडल सेंटर जाने की तिथि जो है वो 11 तारीख से लेकर 12 तारीख 2 दिन का टाइम दे रखा है, और यहाँ पर टाइमिंग भी दे रखा है 10 से 6 बजे तक। आवंटन पत्र डाउनलोड करके कॉलेज में रिपोर्टिंग करने की जो तिथि है वो 11 से लेकर 14 तारीख तक है, शाम 5 बजे। टोटल मिला के आपका ये 10 दिन में कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगा थर्ड राउंड। तो बहुत ही कम टाइम है इसमें। एक चीज़ विशेष कर ध्यान रखना है टाइमिंग का, रजिस्ट्रेशन में बिल्कुल भी गलती मत करना, क्योंकि रजिस्ट्रेशन छूटना भी नहीं चाहिए। बहुत सारे बच्चों का रजिस्ट्रेशन छूट गया, किसी ने सिक्योरिटी अमाउंट सबमिट करना भूल गए, तो इस कारण उस थर्ड राउंड में आना पड़ा मजबूरी में, और बहुत कम ही कॉलेजों की सीट खाली है इस समय। उस चीज़ का विशेष कर ध्यान रखें, और इस बार अगर कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है तो आप छोड़ नहीं पाओगे, ये चीज़ का विशेष कर ध्यान रखना, क्योंकि इसमें अपग्रेडेशन नहीं है, ना ही कोई रीशफलिंग का ऑप्शन है। आपको अगर अब नेक्स्ट राउंड में जाना है तो फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, वो आपको 1,000 रुपये या 2,000 रुपये देकर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर पूरा प्रोसेस दे रखा है, क्या क्या करना है, कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल है कौन नहीं है, यहाँ पर दे रखा है। तृतीय चक्र में काउंसलिंग करने वाले, यहाँ पर इंपॉर्टेंट लाइन है, आप देख लेना। तृतीय चक्र में काउंसलिंग में प्रतिभाग करने वाले सभी प्रकार के एलिजिबल अभ्यर्थी को वरीयता विकल्प करना चॉइस फिलिंग अनिवार्य होगा, यहाँ पर एक चीज़ें दे रखी है। तो गाइज, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा आप मुझे बता सकते हो कमेंट करके, और कुछ भी जानकारी हो आप मुझसे कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हो।